नमस्कार साथियों, नरेश सिंह मित्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको भर्तियों से जुड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिलती है। तो आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई। सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट है और सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बजट सरकार ने बड़ी मंजूरी दी है और नगर पालिका भर्ती है जो अब 25,000 पदों पर की जाएगी और अब प्रैक्टिकल्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, लास्ट तक देखें ताकि आपको नगर पालिका भर्ती को लेकर जो बड़ी अपडेट निकल कर आई उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही भर्तियों से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं क्या पूरी अपडेट। जी हाँ साथियों, देखिए शुरू नहीं हुई सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया, आंदोलन की चेतावनी दी है। 24,956 यानी लगभग 25,000 पदों पर प्रैक्टिकल से होगी भर्ती। कुल 24,956 पदों के लिए इस बार इंटरव्यू की बजाय प्रैक्टिकल के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी। और आपको बता दें कि पूर्व राज्य सरकार ने 176 नगरीय निकायों में 13,184 पदों पर भर्ती निकाली थी और इसकी निकायवार चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद से पिछले 6 अक्टूबर को 187 नगरीय निकायों, नगर पालिका और नगर परिषद में 11,772 पदों को और शामिल करते हुए संशोधित 24,797 पदों पर यह भर्ती निकाली और प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें इसके आवेदन जो 16 अक्टूबर से 4 नवंबर तक लिए जाने थे, लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता लग गई इसके कारण भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है और आचार संहिता में 5 दिसंबर को समाप्त होने हो गई, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं। इससे आंदोलन को अग्रसर हुए संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ और राज्य सरकार के बीच गत 23 जनवरी को हुए समझौते के तहत 6 फरवरी से भी शुरू होनी थी।